वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन जिससे कि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हम एक कटोरी दाल डाल देंगे, एक कप मैंने उड़द साबुत दाल डाली है या आप काली मार जो दाल कहते हो, और एक कप मैं राजमा इसमें डालकर 5-6 घंटे के लिए उसको भिगो कर रख दूंगी। इसमें पानी डालकर 5-6 घंटे के लिए हम उसको भिगो देंगे। 4-5 घंटे हो चुके हैं, अब इसका पानी मैं गिराकर इसे कुकर में चढ़ा दूंगी। तो मैंने कुकर ले लिया है, दाल को धो लिया है और अब इसको मैं कुकर में डाल दूंगी। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी डालना है जिससे हमारी जो दाल है वो भीग जाए। अब हम इसमें थोड़ा नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और इस कुकर को बंद करके हम सीटियां लगवा देंगे। अब हम मिक्सी का जार ले लेंगे, उसमें टमाटर, अदरक, हरी मिर्ची और कुछ लहसुन की कलियां डाल देंगे। कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें हम देसी घी डाल देंगे। देसी घी है, इसमें हम 1 चम्मच और देसी घी अपना ऐड कर देंगे। 3 चम्मच देसी घी डाल दिए हैं, साथ ही साथ हम रिफाइंड ऑयल भी ऐड कर देंगे। ये 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसमें हींग डाल देंगे। हम इसमें हींग डाल चुके हैं और हम 1 चम्मच जीरा इसमें ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं घी हमारा गरम था तो जीरा कैसे चटक रहा है। अब हम उसमें मसाले ऐड कर देंगे, हल्दी, लाल मिर्च, इसमें हम धनिया पाउडर डाल देंगे। हमने एक जगह मिक्सर पे टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट बना के रखा था, वो ऐड कर देंगे। इसको हम अच्छे से भुनने देंगे। इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे, आप अच्छे से क्रश करके इसमें ऐड कर दीजिए। कसूरी मेथी बहुत ही अच्छा फ्लेवर बढ़ाती है। साथ ही साथ हम इसमें नमक मिला देंगे। नमक आपको ये याद रखना है कि हमने पहले नमक मिलाया हुआ है तो उस हिसाब से आप नमक इसमें मिलाइएगा। 1/2 टीस्पून हम काली मिर्च डाल देंगे इसमें, इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छे से हमारा मसाला बनकर रेडी हो गया। टमाटर ने घी छोड़ दिया, ये दाल हमारी उबल चुकी थी। 7 सीटियों में हमारी ये दाल बनकर उबल गई थी। आप ये प्रेशर कुकर पर भी डिपेंड करता है, कभी ये कुकर में ज़्यादा सीटियाँ लग जाती है, कभी कम सीटियों से दाल उबलती है। अब हम इसमें ये जो मसाला हमने किया हुआ है वो हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। दाल मखानी को आप जितना पकाएं वो इतना अच्छी बन के आती है, आप जितनी पकाएंगे उसका फ्लेवर उतना ही बढ़ता है। मसाला हमने इसमें ऐड कर दिया है, अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड कर देंगे और इसको एक अच्छा सा स्टर कर दीजिए। आप देख सकते हैं दाल मखानी का कलर कितना अच्छा आया है और इसकी स्मेल भी बहुत ही अच्छी आ रही है। अभी हम इसको कम से कम 20-25 मिनट पकाएंगे। अब हम इसमें 3 बड़े चम्मच
चम्मच के हिसाब से इसमें बटर ऐड कर देंगे। बटर हम अब इस समय पकाते हुए डालेंगे ना, तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहे तो बटर और कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ढाई चम्मच मैं इसमें क्रीम ऐड कर दे रही हूँ। अगर आपके पास क्रीम अवेलेबल नहीं है तो आप मलाई भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसको 20 से 25 मिनट पकाएंगे और हमारी दाल बसमती बनकर रेडी होगी। देख सकते हैं 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और कलर देखिए इसका कितना अच्छा आया है। ये देखिए, अब हम इसमें एक चम्मच के आसपास इसमें सब्जी मसाला ऐड कर देंगे और हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें धनिया डाल देंगे, ये देखिए हमारी दाल मखानी बनकर तैयार है।